सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्यवाही। नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, शिवपुरी शहर को स्वच्छ और सुंदर नगर बनाने के लिए हम सबको अपनी भागीदारी निभाना है। ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। ये बात आज नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कही है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में फीसदी साबित होने के बाद नगरपालिका ने इस स्थिति से उभरने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर की एक स्वयंसेवी संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष शर्मा ने इंदौर के स्वयंसेवी संस्था के साथ शहर के मुख्य बाजार के भ्रमण कर दुकानदारों को स्वच्छता के नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। जिन दुकानदारों ने स्वच्छता के नियमों का पालन किया है, उन लोगों को मौके पर ही नगर पालिका अध्यक्ष ने फूलमाला पहनकर स्वागत किया। वहीं ऐसे दुकानदार जो स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वह स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। सुनिए क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने। आए हुए हो क्या, कुछ संबंध में आए हुए हो? ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो टीम हायर की गई है नगर पालिका की तरफ से, वो हम यहाँ पे डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी कंपनी का नाम है, हम लोग यहाँ पे वर्क देख रहे हैं और यहाँ पे डोर टू डोर जो गाड़ियाँ चलेंगी वो हमारे अंडर में चलेंगी और जो भी कचरा गाड़ी सेग्रीगेशन के बारे में सबको जागरूक किया जाएगा। जनता से अपील है कि नगर पालिका के साथ हमारा सहयोग करके अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ शिवपुरी हमारे एम है कि हम ये करके दिखाएं और हम चाहते हैं कि इंदौर की तर्ज में शिवपुरी भी अव्वल आए। अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत शिवपुरी पिछले साल दूसरे नंबर पर था, 124 नंबर अभी इसकी रैंकिंग आ रही है। हम कोशिश में हैं, हम प्रयास में हैं और आप सबसे अनुरोध है कि हमारी सहायता करें नाम के द्वारा। हम सब ये चाहते हैं कि आप शिवपुरी भी नंबर वन आए। अभिषेक जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है शिवपुरी को स्वच्छ बनाने के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो कि इंदौर से ही है, वो इंदौर से ही आए थे, शिवपुरी के रहनेवासी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? उनकी जो कमियां थी हम उसी पे वर्क कर रहे हैं कि क्या बैक थी, हम उसके जरिए ही आगे बढ़ते कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैं मेरी फोन कर रही थी। कहाँ से हो? इंदौर से ही? मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ, पर डिवाइन से मैं आई हूँ तो इंदौर से ही कर रही हूँ। के द्वारा शहर का निरीक्षण किया जा रहा है, कुछ क्या कुछ पूरे संबंध में किया जा रहा है? ये हमारा सुंदर शहर है और यहाँ पूरे दिन ठेलों की, गाड़ियों की और गंदगी का अंबार लगा रहता है। हमने आज इन्हीं सभी दुकानदारों को, ठेलों वालों को और सभी कस्टमरों को ये हिदायत दी है कि आप अपना जो भी कचरा निकलता है दुकान से, चाय की दुकान से, ठेले से, उसको डस्टबिन में डालें और हमारी जब डोर टू डोर गाड़ी शाम सुबह आ रही है तो पूरा कचरा गाड़ी में डालें। अगर यहाँ वहाँ कचरा डालेंगे तो हम आप पे जुर्माना करेंगे। कितने रुपए का जुर्माना होगा? हम लोग अभी 50 रुपए से शुरू करते हैं। 50 रुपए कितने तक होगा? 50 से कितने तक होगा? 1000 तक भी करेंगे। 1000 तक और नहीं मानेंगे तो फिर 2000 भी करें। अच्छा, ठेले वाले को जो मतलब समझाइश दी गई है अभी, तो ठेले वाले क्या माने थे अभी? उन लोगों ने कहा है कि हम कचरा नहीं डालेंगे और ठेले साइड से लगाएंगे।